मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ जीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। मेरा सुबह का नमस्कार। आप हमारे समी प्लांट से मिलिए। तो ये हमारे समी प्लांट जो है, एक तो एक कटिंग का है जो मैंने इसको काट काट के इसको कितना खूबसूरत बोनसाई बनाया है, और ये जो प्लांट है दूसरा हमारा, ये इसको मैंने कभी नहीं काटा है, और इसीलिए मैंने ये नहीं काटा क्योंकि आप लोगों को हमें दिखाना था कि जो कट जाता है प्लांट, जो आपको काट छाट करके आप जो सही करते हैं उसकी खूबसूरती अलग होती है, और जो नहीं काटते हैं उसकी खूबसूरती होती है लेकिन इससे कम होती है। तो ये हमारा बोनसाई बन तैयार हो रहा है बनके। इसकी जो स्टेम है, ये जो नीचे से जो स्टेम आई है, कितनी मोटी सी है ये देखिए, और ये यहाँ से लीफ निकली है, तो इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसको रिमूव करते रहते हैं। और तो नीचे से कितना मोटा, इसे दूर से लग रहा है कि ट्री हमारा कोई ट्री खड़ा हो। मैं आपको दूर से ऐसे दिखाती हूँ किस तरह से आपको लगेगा कि बोनसाई का मतलब होता है बहुत खूबसूरती। बोनसाई जो बनता है वो नीचे से ट्री टाइप का लगता है। आप इसकी स्टेम बहुत मोटी आती है, और इसकी स्टेम देखिए, ये जो इसको मैंने कटिंग नहीं की है, और ये इसकी ब्रांचेस पतली पतली सी हैं और चारों तरफ फैला हुआ है। और ये हम इसको मैंने शुरू से ही पॉट बदल के पहले छोटे पॉट में लगाया, फिर उसके बाद बड़े पॉट में लगाया, और इस तरीके से मैंने इसको बोनसाई बनाना शुरू किया है। और आप जब दूर से देखेंगे तो बहुत खूबसूरत आपको ट्री जैसा लगेगा, और कितना सुंदर सा ये बोनसाई हमारा बनके तैयार हो रहा है। और इसमें खूबसूरती किसी की भी हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे खुद की खूबसूरती हो, तो जब खूबसूरत लगता है तो बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए, मैं इसको मैंने बोनसाई बनाया, सक्सेसफुली हमारा बोनसाई बनके तैयार भी हो गया है। और मैंने पहले ये छोटे पॉट में लगा था, अब मैंने छिछले तसले में लगाया है। तो ये जो आपकी जो रूट्स हैं और ये जैसे नीचे से ब्रांच कोई निकलती है तो इसको हम तुरंत ऐसे कट कर देते हैं, जिससे यहाँ से दूसरी ब्रांच ना निकल पाए। और जब ब्रांच कट करते हैं तो यहाँ का जो स्टेम है बिल्कुल साफ़ रहता है, और जब साफ़ रहता है तो नीचे से स्टेम तो मोटा जाएगा लेकिन ब्रांचेस नहीं होंगी। और इसको हम हर समय अपने इन जो बोनसाई प्लांट हम जो बनाते हैं इनको हर समय काट छाट की ज़रूरत पड़ती रहती है। जब कोई एक्स्ट्रा लीफ निकल आती है तो कट करती रहती हूँ, और इसी तरीके से रिमूव करती रहती हूँ। और इसकी खूबसूरती इसी मोटी स्टेम से इसकी खूबसूरती है कि छोटे पॉट में आपके पास लगा हुआ प्लांट और खूबसूरत इसकी स्टेम मोटी सी ऊपर तक गई हैं। तो समी प्लांट हमारा लकी प्लांटों में भी माना जाता है, बहुत ही लकी प्लांट होता है। इसको आप अपने घर के दरवाजे पास लगाएं, और बहुत बहुत खूबसूरत हमारे शंकर जी के ऊपर, हमारे शंकर जी के ऊपर और गणेश जी के ऊपर ये इसकी लीफ चढ़ाई जाती हैं। बहुत ही लकी प्लांटों में माना जाता है। ये हमारा पूजनीय पौधा है, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया भी था। मैं अपने वीडियोस आपको दिखाती रहती हूँ, जिससे आप लोग भी अगर जो अपने गार्डन में कुछ नया करना चाहते हैं तो नया करें। और इस तरीके से हमारा ये जैस्मिन का जो प्लांट है वो भी बोनसाई बन रहा है। नीचे से आप देखिए, ऊपर से सारी मैंने कटिंग करी हुई है। और हमारा ये पीपल का प्लांट है, ये भी बोनसाई बन के तैयार हो रहा है। इसकी रूट्स इतनी खूबसूरत रूट्स की वजह से लगता है, और मैंने अभी इसकी कटिंग नहीं की, इसको कटिंग कर करके इतना ऊँचा कर दूँगी और हाइट भी छोटा रहेगा, और इसकी जो सिस्टम है ये मोटी हो जाती है, तो बहुत सुंदर सा हमारे बोनसाई बनने के लिए हमारे पौधे तैयार होने लगते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में अपने पौधे को बोनसाई बनाएं। और अब इसको मैं इसको कटिंग करूंगी, यहाँ से इसको जितनी ब्रांचेस हैं इसको काट के मैं इसको भी बिल्कुल छोटा सा पौधा, इसकी हाइट नहीं ज़्यादा है लेकिन इसकी ब्रांचेस बहुत फैली हुई हैं। जब ब्रांचेस फैल जाती हैं तो खूबसूरती थोड़ी सी कम रहती है इसकी अपेक्षा। और आशा है मेरा आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और इसकी जो लीव्स आपको दिख रही हैं, बहुत खूबसूरत सी लीव्स हरी हरी दिख रही हैं, जो वो DAP और कैल्शियम जो मैंने दी थी, एक 10 दिन हो गया है, 10 दिन पहले मैंने कैल्शियम और DAP दी थी, जिससे इसकी लीव्स बहुत हरी भरी बहुत बड़ी बड़ी सी हो गई हैं। आप देख रहे होंगे बहुत खूब बहुत बड़ी बड़ी सी लीव्स हो गई हैं। हर पौधे में मैंने DAP और कैल्शियम दी थी, इसकी खूबसूरती पौधों में है और अलग सी ग्रीनरी आ जाती है हमारे पौधों में। इस तरीके से मेरा ये बोनसाई प्लांट आपको आशा है बहुत पसंद आया होगा। और जिसमें इसमें जब फूल नीचे लटकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय कोई फूल नहीं लगा हुआ है। तो अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारी लिंक को शेयर करिएगा, और मोटिवेशन हमारा बढ़ाते रहिएगा, जिससे मैं आप लोगों को नए नए वीडियोज़ बना के दिखाती रहूँ। थैंक यू।